हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ अपने घर के पास में ही एक बिसरख गांव है, वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है। तो आज हम देखेंगे सरकारी हॉस्पिटल ये कैसा है। एक्चुअली बता दूँ, ये बिसरख गांव में जो हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। ये है इसका नया बिल्डिंग, और इसके पीछे है इसकी पुरानी बिल्डिंग। और ये यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह है, जो यहाँ स्टाफ लोग रहते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, यहाँ के जो स्टाफ्स वगैरह है। ये हॉस्पिटल वाकई में बहुत अच्छा है, सुंदर है, साफ़ सुथरा है। मैं यहाँ पे अपने डॉटर के सारे इंजेक्शन मैं यहीं से लगवाता हूँ, कोविड इंजेक्शन यहीं से लगता है, और चाहे जो भी छोटे मोटे काम मैं यहीं से कराता हूँ। बड़े भगवान की दया से अभी बड़ा कोई ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं पड़ा, बट मैंने यहाँ देखता हूँ बड़े से बड़े ऑपरेशन भी के लिए भी लोग यहाँ आते हैं, और फिर यहाँ से फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल पर अगर जाना पड़े तो रेफ़र करते हैं। तो चलते हैं, आज मैं अपनी बेटी के वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ, तो चलते हैं वैक्सीनेशन वार्ड में। ये यहाँ से वैक्सीनेशन वार्ड ये जाता है रास्ता। रास्ता जाता है आपको वैक्सीनेशन वार्ड के लिए, जहाँ पे बच्चों के वैक्सीन वगैरह लगाते हैं। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है। कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है ये। और यहाँ पे हर चीज़ आपको मैनेज्ड मिलेगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी यहाँ नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए कर्मचारी भी यहाँ पे आपके टाइम पे ही आते हैं। और सामने वो प्रसव कक्ष है, और ये रहा वैक्सीनेशन वार्ड। ठीक है, ये रहा टीकाकरण कक्ष, यहाँ पे बच्चों के टीके लगते हैं। हेलो, किस लिए आई हो यहाँ बताओ? अभी इसे इंजेक्शन लगने वाला है और फिर ये रोएगी। ये है वैक्सीनेशन वार्ड। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पहले कक्ष पे, फर्स्ट फ्लोर, देखते हैं यहाँ क्या है। ये PICU वार्ड है। अब नहीं पता इसके बारे में कौन सा वार्ड होता है, बट ऊपर की ओर ही है। कोविड बच्चा वार्ड में जाने का रास्ता, कोविड बच्चा वार्ड, शायद आइसोलेशन वार्ड हो ऊपर। ठीक है, और जैसा कि मैं सामने देख पा रहा हूँ, ये रसोई कक्ष ऐसा लिखा हुआ है, और PICU वार्ड। सही है हॉस्पिटल, ये बढ़िया है, मैं रेकमेंड करूँगा। अगर आप टैक्स भरते हो तो टैक्स का यूज़ करें और सरकारी हॉस्पिटल का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पोस्ट ऑपरेटिव महिला वार्ड है, और इधर कोई तैयारी कक्ष है होगा, बट हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। ये मुझे लगता है यहाँ सारे काम हो जाने चाहिए आपके, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो ये फिर आगे रेफर भी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है, एम्बुलेंस यहाँ आ रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोन उठाएं और 112 मिलाएं आपातकालीन सुविधाएं के लिए। तो ठीक है गाइस, मैं अब आपको अगले आने वाली वीडियो में और बताऊंगा कि आसपास और कौन से हॉस्पिटल हैं। ठीक है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, इसलिए ग्रेटर नोएडा की में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको एक एक करके अपनी आने वाली सारी वीडियो में। इसलिए कृपया सब्सक्राइब कर लें, 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़े थोड़े ही बनाता हूँ, महीने में एक दो, बट अभी तक 50-70 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। तो यार कम से कम इसे 100-200 तो पहुँचाओ। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।